बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं अपने तमाम भाइयों से एक जो है वो बड़ी एक अहम बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इस वक्त जो है बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं चीज़ें। होता ये है कि बहरिया टाउन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं या डीलर्स या जो जितने भी लोग हैं जिनका स्टेक है बहरिया टाउन में, स्टेक होल्डर वो तमाम लोग हैं जिनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं और जो यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। चंद पॉलिसीज़ की वजह से लोकेशन के जो प्रॉब्लम्स आई, उनका एक मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस पर जो है वो लोगों को एक गलत और मनफी अंदाज में जिस तरीके से लगाने की कोशिश की गई अभी ये चंद दिन पहले एक रियल्टर एसोसिएशन की जानिब से, तो सबसे पहले तो मैं उसको कंडेम करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी क्लाइंट हैं और जो भी बहरिया में काम करने वाले हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि मामलात हल हों। वो ये नहीं चाहते कि मामलात को एक तरफ रख कर आप प्रोटेस्ट करें और अपनी खुदनुमाई और अपनी डिमांड्स के लिए आप लाखों इफेक्टिव के जो है रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो है ख़ुद सामने आए, जबकि आप कहीं पर अपनी जो है वो आपने जब प्रोटेस्ट किया और उसकी कॉल दें तो वहाँ पे आपके साथ आपके एसोसिएशन के पूरे मेम्बरान भी साथ ना आए। तो यहाँ से जो है चीज़ें लोगों के कुछ सामने आ भी जानी चाहिए और तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि जो भी मामलात हैं उनका हल कभी भी इस तरीके से नहीं निकाला जाता। इन मामलात का हल निकालने के लिए एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार को अपनाया जाता है, जो कि टेबल टॉक्स होती हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें बेहतर करने के लिए हमें जो है उसको खुश असलूबी से हल करना पड़ता है। उसके लिए हमारी और हमारे जितने सीनियर्स हैं उनकी जो है वो एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड दिया गया था बहरिया टाउन में, और अभी कुछ दो दिन पहले दुबई में उन तमाम सीनियर्स की मीटिंग भी हुई है मैनेजमेंट के साथ। इंशाल्लाह ताला विद इन 3 डेज जो भी ये चीज़ें थी जिनकी वजह से मनफी जो है वो तासुर आ रहा था मार्केट में और वो बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया गया जिन लोगों की जानिब से, उनका एक रुपए का इधर कोई स्टेक नहीं है। स्टेक आप लोगों का है और आप लोग भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि मामला बेहतरी से हल हों, और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि कभी किसी की मजबूरी से कभी किसी की परेशानी को ढाल बनाकर सियासत ना की जाए, बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपना वो रोल प्ले किया जाता जो लोगों की बेहतरी और फलाह के लिए होता। मगर अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं किया गया, मगर हमारा जो रोल था हमने वो प्ले किया है। मैं किसी भी इफेक्टी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और लोगों की परेशानी को देखते हुए हम तमाम दोस्तों ने जो भी प्रॉब्लम्स मार्केट में थी वो मैनेजमेंट तक पहुँचाई और उनका बेहतर हल निकाला जा चुका है। विद इन 3 डेज उसका प्रॉपर बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है वो उसकी अनाउंसमेंट करेगी। हमारा जो मकसद था वो हमने जो हम कर सकते थे हमने बेहतरी की जानिब चीज़ें ले जाने के लिए किया। थैंक यू।